ये आग आपके करीब नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इसके पास गए तो ये आपको जला देगी। सितारा मेरी बात नहीं, सितारा सितारा छोड़ दे कुंवरता को, नहीं सितारा। अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ विराज। दीदी कहाँ हैं आप? दीदी हमारी चाल कामयाब हो गई, मैंने विराज को वश में कर लिया था। अब तुम सिर्फ वही बोलोगे जो मैं कहूंगी। दीदी विराज ने सितारे से जाके कहा कि उसने आपको और मुझको जान से मार दिया है। खत्म कर दिया उस ऋषिकन्या को जो हमारे परिवार की सारी तकलीफों की जड़ थी, और उसके साथ साथ उस विश्वकन्या की बहन को भी मार दिया जो मुझे मारने के लिए आई थी। और सितारा ने विराज की बात पर यकीन कर लिया और फिर सितारा ने गुस्से में आकर विराज को जान से मार दिया। सच अलबेली? हाँ दीदी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। भैया आप देखना, खुद ही देखना, सितारा विराज की लाश यहाँ पर लेकर आती ही होगी। सुना तुमने? सुना, अब खुशियाँ हमारे विश्वलोक में दस्तक देने वाली हैं। हाँ सुरीली, आज सालों बाद हमारा बदला पूरा होगा और उसे अंजाम दिया है मेरी बेटी सितारा ने। भैया ये देखी, मैंने आपका बदला पूरा कर दिया, मैंने आपके कातिल को मार दिया मां। बस बस एक बात का दुख है मां, ये सब देखने के लिए आप हमारे बीच नहीं है।
काश काश अब अपनी आंखों से एक बार ये देख पाती माँ, तो हम ये खुशी साथ मनाते। हम ये खुशी साथ में मनाएंगे सितारा। यही तो हम तुम्हें बताना चाह रहे थे सितारा। पर ये सब कैसे? मुझे माफ करना सितारा, लेकिन मेरी मौत एक नाटक था, तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का एहसास दिलाने के लिए, तुम्हें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि तुम एक विष्कन्या हो और तुम्हारी जिंदगी का मकसद राज परिवार का सर्वनाश है। और देखो, मेरे मौत की नाटक की वजह से तुम्हारे बदले की भावना को बढ़ावा मिला और हमारा इतने साल पुराना बदला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पूरा हुआ। इतने साल बाद मुझे सुकून मिला सिर्फ तुम्हारी वजह से सितारा। ऐसा क्यों लग रहा है कि विराट जिंदा है? ये खून नहीं, सिंदूर का पानी है। सितारा, विराज अब तक जिंदा है, इसका ये मतलब है तुमने हमारे साथ धोखा किया। शुरुआत तो आप ही ने की थी ना मां, आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे बहकाने की कोशिश की, आपने सबके इतने खिलाफ कर दिया कि मैं बेगुनाह लोगों को मारने चली थी, बड़ों से बदतमीजी की, पापा की झूठी कसम खाई, उन्हें आपके चक्रव्यूह में डाल दिया, सब आपकी वजह से। मैं तो आपसे प्यार की उम्मीद लेकर आई थी, एक माँ की तलाश में आई थी, पर आपको एक बेटी नहीं बल्कि अपनी साजिशें पूरी करने वाला एक मोहरा चाहिए था। लेकिन देवी माँ भी नहीं चाहती थी कि मेरे हाथों इतना बड़ा पाप हो, शायद इसलिए वक्त रहते आपके झूठ पर मेरी नजर पड़ गई। मैंने तो विराज को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया था, लेकिन फिर मैंने उसकी आंखों में नीली चमक देखी